ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। चलो इस पे नहीं मिल पा रहे हैं, अपने मन से क्वेश्चन बनाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का फिर करते हैं। फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। किसी बुक में सी की जगह आई भी लिखा होगा, ठीक है। सी मीन्स कॉमन डिवाइजर विच कैन डिवाइड ऑल डिविएशन। जो डिविएशन जितने भी हमने विचलन लिए हैं सबको डिवाइड कर दे, उस नंबर को बोलते हैं सी। किसी बुक में सी की जगह आई भी लिखा रहेगा तो उसका मतलब सेम है। इन दिस फॉर्मूला ए इज इक्वल टू अज्यूम मेन, कल्पित माध्य, काल्पनिक माध्य, ए का मतलब हुआ। एंड एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, एफ डी डैश मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई डी डैश। अब डी डैश क्या है, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। सी मीन्स कॉमन डिवाइजर विच कैन डिवाइड ऑल नंबर्स, ऑल डिविएशन। सी एक कॉमन डिवाइजर है जो सारे नंबर्स को, सारे जो डिविएशन विचलन लिए गए उनको डिवाइड कर दे। अब डी क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी का मतलब एक्स, और एक्स में जब हम ए को माइनस करते हैं तब डी आता है। ए फॉर अज्यूम मीन, अज्यूम मीन यानी काल्पनिक माध्य जब माइनस करते हैं तब आता है डी। ओके, इनकम एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी। किसी भी क्वेश्चन में नंबर दिया है, किसी भी नंबर का मतलब कितने हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एनीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी। किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा है बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या, वर्कर्स श्रमिकों की संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या, तो उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। इनकम हंड्रेड, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। इनकम इज इन रुपी, रुपए में दिया है इनकम। नंबर ऑफ वर्कर्स 2, 5, 3, 4,
नंबर ऑफ वर्किंग वर्कर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम, जो भी जितने भी आइटम या जितने भी वैल्यूज हैं सबकी फ्रीक्वेंसी। अब इसको करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है एक्स, एक्स मीन्स इनकम। इन फर्स्ट कॉलम वी विल राइट एक्स, देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स। Then we are doing it by assumed mean method, so we have to subtract assumed mean from x. हम assumed mean वाला कर रहे हैं, assumed mean means step deviation method कर रहे हैं। step deviation method में assumed mean लेना पड़ता है, काल्पनिक माध्य लेना पड़ता है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, d पहले निकालना पड़ेगा। d is equal to x minus a, then D dash is equal to D upon C. Then F D dash. ये अपने फार्मूले में पहले हम मिला लेते हैं क्या क्या चीजें हमको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कॉलम बनाते हैं। F D dash means D चाहिए D dash निकालने के लिए, और D निकाल उसके पहले फ्रीक्वेंसी भी तो लिखना ही पड़ेगा, डी भी चाहिए, डी डैश भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, एक्स तो सब में लिखते हैं, एक्स और फ्रीक्वेंसी सब में रहती है। सो एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इन रुपीज 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Frequency 253, 463. D from assumed means 100 से 170 के बीच में assumed mean लेना है। ये क्या हो रहा है, हंड्रेड टू 170, 140 को ले लेते हैं जून मीन, 130 को भी ले सकते हैं, 140 करते हैं, 140 इज जून मीन ए। तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए मीन्स एक्स माइनस 140, सब में 140 को माइनस करना है। 100 माइनस 140, 140 इज ग्रेटर देन 100, तो आंसर विल बी नेगेटिव 40, माइनस 40, देन माइनस 30, सब में 140 माइनस करते जाएंगे, 140 ज़्यादा है इन सब से, इसलिए सबकी वैल्यू जो है माइनस में आ रही है। प्लस 10, 20, 30,
Now d dash is equal to d upon c. So here common divisor, the number which can divide all number is 10. यहाँ पे ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे वो है 10. तो 10 को हम लेते हैं c, कॉमन डिवाइजर c इज इक्वल टू 10. सो वी हैव टू डिवाइड एवरी नंबर, एवरी डिविएशन, जितने भी डिविएशन है, जितने भी विचलन है, सबको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे. 40 डिवाइडेड बाई 10 माइनस प्लस, आंसर विल बी -4, -3, -2, -1, 0. 1, 2, 3. FD dash means D dash multiplied by F. D dash को F से मल्टीप्लाई करना है, D dash निकालने के लिए. 4 मल्टीप्लाई बाई F. F फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाई बाई -4. -4 को 2 से माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट विल बी इन माइनस. माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा. 3 मल्टीप्लाई बाई 5. हो गया अब इतना. अब इसके बाद क्या देखना है हमें, सिग्मा एफ डी डैश करना है. सिग्मा मीन्स सम ऑफ एफ डी डैश. एफ डी डैश का जो मल्टीप्लीकेशन आया है, प्रोडक्ट आया है, जिसका गुणनफल है, उसको जोड़ना है. सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू निगेटिव इंटीजर्स विल बी एडेड सेपरेटली. निगेटिव वाले को पहले अलग से प्लस करेंगे, पॉजिटिव विल बी सेपरेटेड. पॉजिटिव 3, 3, 5, 6, 7, 8. पॉजिटिव में प्लस में 8 आया, माइनस में 8 कैंसिल हो गया. 15 प्लस 6 प्लस 4 25, माइनस 25 आंसर माइनस 25. Now we will write the formula. अब formula लगा के सारी value को निकालना है. A plus sigma F D dash upon sigma F into C. Sigma F भी बाकी है. Sigma F 2, 5, 7, 3, 10, 14, 20, 25. Sigma F is 25. So, x bar is equal to assume means 140 को हमने assume mean लिया है, plus sigma fd dash is equal to minus 25 upon sigma f is 25 into c. c common divisor is 10. 10 को हमने लिया था, 10 से सब भाग दिए. So, 25 will be divided. सब लोग पहले ध्यान दो, प्लस हम बाद में करेंगे, पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला काम करते हैं, ठीक है. 140 माइनस एंड प्लस, आंसर विल बी -1. प्लस -1 इंटू 10, सो इज इक्वल टू 140 माइनस एंड प्लस का मल्टीप्लीकेशन will be -10. अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 140 माइनस 10, x बार इज इक्वल टू 130 हो गया आंसर. अब इसके सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकेंड रुकना.
आप लो अब आगे इसका सोल्यूशन खोलो। अब जो क्वेश्चंस हैं बुक में देखो, एक सेकेंड, हाँ सर क्या हुआ? बुक में जहाँ पे सब क्वेश्चंस दिए हैं वो सब लोग खोलो अपनी अपनी बुक में। चैप्टर के बाद में लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन मीन जिसमें स्टेप डिविएशन मेथड हो सके। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो अलग सब लोग करना, ठीक है? Find out arithmetic mean. By step deviation method. मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टेन, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 50. Number of students 1, 2, 3, 7. ये क्वेश्चन सब लोग करो तुरंत।
स्क्रीनशॉट लो इसका। कोई क्योंकि परेशानी तो नहीं है ये क्वेश्चन करने में। सर नोट नहीं हो पाया क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लो, नोट मत करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है? ओके सर। लो अब स्क्रीनशॉट लो इसका बस। सर 35.9। आंसी तुमने जो क्वेश्चन नंबर 3 का सर आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही। सर 37.7 इसके बाद जो अगला है सर सर 36.9 सर 32.95 अरिथमेटिक मीन मीन एज बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन एज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए एज ऑफ द पीपल ऑफ इफ कंट्री इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब उसका एवरेज तो हमको निकालना है, मीन हमको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला इन कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में आप पहले फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। दिस इज द फॉर्मूला इन कंटिन्यूअस सीरीज। जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है जिसमें मतलब कि 10 टू 20, 20 टू 30 है, इस तरह के जो क्लास इंटरवल्स दिए रहते हैं, क्लास इंटरवल्स वाले सीरीज में फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हेयर m, m फॉर मिड वैल्यू, m का मतलब है मिड वैल्यू, m का मतलब मिड वैल्यू, a अजूल मीन सिग्मा एफ एम मीन एफ और m को पहले मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, देन सिग्मा मीन सम एफ एम, सम ऑफ एफ एंड m मीन सम ऑफ मल्टी प्रोडक्ट ऑफ एफ एम अपॉन सिग्मा f। अब पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, एज एंड नंबर ऑफ पीपल, पीपल नंबर ऑफ पीपल इज गिवन इन थाउजेंड्स, 30,000, 32,000, 15,000, 12,000, 9,000, एज इन ईयर्स। तो फर्स्ट वी राइट एक्स, एक्स मीन्स क्लास इंटरवल, ये बार एक्स फॉर्मूले में बार एक्स आएगा, एक्स
एक्स को मतलब क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू, देन एफ एम मिड वैल्यू निकालने, पहले एफ एम करने के लिए एफ मल्टीप्लाई एम करने के लिए फर्स्ट वी नीड मिड वैल्यू। एफ एम करना है तो पहले हमको एफ और एम दोनों चाहिए। एफ इज गिवन इन द क्वेश्चन, मिड वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेटेड। एम बी मीन्स मिड वैल्यू, यहाँ जो एम बी दिया है छोटा सा आठ में दिया है तो इसका फुल फॉर्म है मिड वैल्यू। एम बी का मतलब मिड वैल्यू। एक्स 10 टू 20, 20 टू 30 से लेके 50 टू 60 तक, फ्रीक्वेंसी 30,000 है, फ्रीक्वेंसी दिया है 000, 30,000, 32,000। क्वेश्चन बुक में है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसका स्क्रीनशॉट लो। और देखी नहीं रहा। 15, 12, 9 सर स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्या बोला? ये स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नहीं तो बुक में देखो। पेज नंबर 234 बुक में देखो। मिड वैल्यू फॉर्मूला ऑफ मिड वैल्यू इज L2 माइनस L1 अपॉन 2। ये जब हम सीरीज के बारे में पढ़ा रहे थे तब बताए थे मिड वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला। L2 मीन्स अपर मिड, L1 मीन्स लोअर मिड। सब लोग माइक बंद करो, माइक बंद करके रखो, जिसको कुछ पूछना हो वह माइक ऑन किया करे, बाकी लोग बंद करके रखा करें। सर बुक नहीं है सर, NCERT वाली बुक है सर बस मेरे पास। हाँ तो बुक खरीदो। यस सर, मतलब कौन सी पब्लिकेशन वाली खरीदनी है सर? आप तो शांत हो जाओ, तुम पढ़ो, तुम बाद में बात करना, शांत हो जाओ अभी। मिड वैल्यू 15, 30 प्लस 20 50 अपॉन 2 25, 35, 45, 55। FM मिड वैल्यू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का जो मल्टीप्लाई करेंगे नाइन है, लास्ट में नाइन है। सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ देख लो सब लोग सही है कि नहीं है, हमने जो ऐड किया सिग्मा एफएम। सर स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा।
क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया करो, हम बोले तो एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बस ले लिया करो। क्या है, कहाँ से लेंगे स्क्रीनशॉट? सर दिख नहीं रहा। हाँ क्या नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रही है सर, आप तो दिख रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं दिख रहा। दिख रही है आपका मोर सर? अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन? दिख रही जो हम दिखा रहे हैं वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नो सर, आप दिख रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी अगर नहीं दिख रही है तो, क्योंकि यहाँ पे तो शेयर कर रहे हैं और सब बाकी लोगों को दिख भी रहा है। नो सर, हमें भी नहीं दिख रहा। नो सर, नहीं दिख रहा। आप बताओ दिख रहा है? अभी दिख रहा है? नो सर, अभी सर ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है बार बार, इसीलिए जो है ना स्लो चल रहा है स्क्रीन, बार बार नहीं दिखती है, पता नहीं क्यों नेटवर्क सही नहीं चल रहा है आज। अब यहाँ पे फार्मूला हमको लगाना है फिर आंसर निकालना है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ, यहाँ पे हमने शॉर्ट कट मेथड लिख दिया है। ये शॉर्ट कट मेथड बाद में करेंगे, ये फार्मूला शॉर्ट कट मेथड है, इसको उठाते हैं शॉर्ट कट मेथड का बाद में लिखेंगे। डायरेक्ट मेथड से करना है तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम 3010 अपॉन सिग्मा एफ 98 से अब इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे गलत है,
दो कम हो जाएगा 28 हो जाएगा ये। ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स सेवन आ रहा है। ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स सेवन करके सॉल्व करेंगे तो 28.7 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अब कल ज्वाइन करना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
सबके सबको हमने फोटो भेज दी है आंसर की। अभी इसमें नेट नहीं सही चल रहा, आप कल ज्वाइन करना, टाइम भी ओवर हो गया, ठीक है। आप किसी को कोई प्रॉब्लम है? Thank you.